समीर, फर्स्ट ऑफ ऑल दायरा रिलीज होने वाली वेब सीरीज आईमैक्स टीवी पर, और सबसे अच्छी बात है कि दशहरे पर रिलीज हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को आपके दायरा के लिए और आपके आपके फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, दिस इज एक्टर समीर खान और रिसेंटली यू हैव वॉच मी ऑन स्टार प्लस घूमे किसी के प्यार में. सो आई एम कमिंग अप विद द अमेजिंग वेब सीरीज कॉल्ड दायरा और इट्स गेटिंग रिलीज ऑन दशहरा. बहुत ही अच्छे टाइम पर सीरीज रिलीज हो रही है. और सीरीज का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि आजकल जिस तरह आप देख रहे हैं सोशल मीडिया, हर इंसान आज की लाइफ में सोशल मीडिया यूज़ करता है, और जिस तरह हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी तरह सोशल मीडिया के भी दो साइड्स हैं. पॉजिटिव साइड्स हम सब देख ही रहे हैं, इसका नेगेटिव साइड्स ये है कि आजकल यूथ जो है काफ़ी मिसगाइड हो रहा है सोशल मीडिया पर. आप यू गेटिंग कनेक्टेड टू द स्ट्रेंजर एंड फिर आप कैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है आजकल, तो उसी पे बेस्ड ये स्टोरी है. एक रजत और समायरा की कहानी है, किस तरह समायरा रजत से मिलती है ऑन सोशल मीडिया और कैसे वो उस पर भरोसा कर लेती है और उसे प्यार हो जाता है, फिर किस तरह उसके साथ फ्रॉड होता है, इस तरह की कहानी आपको देखने मिलेगी दायरा में, विच इज रिलीजिंग ऑन दशहरा. स्टेडियम, आप क्या कहना चाहेंगे? ये सीरीज, इसमें मेरा कैरेक्टर ऐसा है कि मैं एक स्पॉइल्ड ब्रैट हूँ. पापा ने इतना प्यार दे दिया है और मम्मी ने इतना प्यार दे दिया है, मैं अपने रास्ते से भटक गई हूँ, दायरा भूल गई हूँ. तो इसी पे ये सीरीज़ है. और कितना हमें अपनी लाइफ में दायरा बना के रखना चाहिए, कितना नहीं रखना चाहिए, उस पे ये पूरी सीरीज़. तो प्लीज़ वॉच. समझ, काफ़ी सारी वेब सीरीज़ अभी रिलीज होती है, आप भी देखते ही रहेंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो उनसे कितनी हटके रहेगी या फिर सारी फैमिली के साथ पूरी फैमिली को देख सकती है या फिर कुछ इस तरह का कंटेंट है कि लोग पर्सनली देख पाएंगे, उसके बारे में कुछ अगर आप बताएं. हमारी सीरीज जो है बाकी सीरीज से हटकर इसलिए है बिकॉज हमारी सीरीज में हमने रियलिस्टिक स्टोरी दिखाई है जो आजकल सोसाइटी में हो रहा है, समाज में हो रहा है, और सच्चाई सच्ची घटनाओं पर आधारित हमारी सीरीज है. और बाकियों से हटके मैं इसलिए भी कहूँगा कि ये हमारी सीरीज का मकसद है पब्लिक को अवेयर करना, उनको जागरूक करना और उन्हें बताना कि दुनिया में क्या क्या किस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं. तो जो भी हमारी सीरीज देखेगा ही विल बी यू नो केयरफुल और वो जागरूक रहेगा, इस तरह हमारी सीरीज बाकियों से हटके. समीर, कभी आपके साथ कुछ ऐसी घटना है, कुछ ऐसा रियल में कुछ ऐसा हो गया, कुछ ऐसा हुआ है या फिर कोई कॉल आया है? सो मेनी टाइम. रिसेंटली मेरे एक फेसबुक फ्रेंड का मेरे पास आता है मैसेज कि समीर, आई नीड सम अमाउंट, प्लीज कैन यू फॉरवर्ड मी. एंड वो जो मेरा फ्रेंड है, ही इज ऑन बिग हायर पोस्ट. तो इट वॉज वेरी सरप्राइज फॉर मी. मैंने कहा यार ये बंदा कैसे, मुझे डाउट हुआ. तो आई कॉल दैट गाय, मैंने कहा जैसे तुम्हारी आई डी से नंबर आ रहा है. तो ही वॉज लाइक समीर वो मैं हुई नहीं, तो समबडी हैक्ड हिज अकाउंट. और इस तरह से चीज़ें लोगों को ठगा जा रहा है. तो सोशल मीडिया इज वेरी डेंजरस, वी हैव टू यूज इट वेरी वेरी केयरफुली. आप बताइए, आपके साथ कभी कुछ ऐसी घटना है, कुछ ऐसा हुआ है? नहीं नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है. बट हाँ, मैं फ्रेंड्स वगैरह ये सब बताते रहते हैं कि आज मेरे पास ऐसा कॉल आया कि मुझे ऐसा पैसा चाहिए, इतने पैसे चाहिए. बाद में पता लगता है कि वो इंसान है ही नहीं जिसने मैसेज किया है. तो नहीं, बट मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ. गुलशन जी और गरिमा जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका? उनके साथ तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बिकॉज दोनों बहुत ही फ्रेंडली पीपल हैं और उनके साथ बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है कुछ भी बोलने में, या वो पूरा पूरा सपोर्ट करते हैं. तो उनके साथ तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था. समीर, आपका किस तरह का एक्सपीरियंस था गरिमा जी और गुलशन सर के साथ? मैं पहले भी प्रोजेक्ट कर चुका था तो इट वाज नॉट फर्स्ट मीटिंग टू गुलशन सर. बट हाँ, इज वेरी अमेजिंग पर्सनालिटी, बहुत ही अच्छी कंपनी देते हैं सेट पर, बहुत ही अच्छा माहौल रखते हैं. और जब एक एक्टर, इट्स एक्टिंग इज अबाउट गिव एंड टेक. अगर अगला इंसान अपना कैरेक्टर बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहा है तो ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस भी एनहेंस हो जाती है, राइट? एंड एक अच्छा एक्टर होने से पहले जरूरी होता है अच्छा इंसान होना, राइट? सेट पर अगर माहौल अच्छा रहेगा ना तो काम निखर के बाहर आएगा. तो ये जो गुलशन सर है और मैम है, इन लोगों की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है. और हमारे सीनियर्स हैं तो काफ़ी उनसे सीखने मिलता है. आई बीन लकी टू गेट आई गॉट अ चांस टू वर्क विद सच सीनियर एक्टर. आईमैक्स टीवी पर रिलीज होने जा रहा है, तो और भी आगे कुछ ऐसा है कि आप इनके साथ काम करना चाहेंगे या फिर आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा तो कभी आगे भी इनके साथ कुछ प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिले? डेफिनेटली, आई हैड अमेजिंग एक्सपीरियंस. जो हमारे प्रोड्यूसर शैलेंद्र सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर शिवा सर हैं,
शिवा के साथ में पहले भी हमने एक दो प्रोजेक्ट किए हुए हैं, तो बहुत अमेजिंग टीम है, बहुत ही प्रोफेशनल टीम है, बहुत ही एकदम फैमिली सा माहौल रखते हैं सेट पर, और काफ़ी आई रियली एंजॉय वर्किंग विद देम. तो या आई विल होप एंड प्रे के विल गेट चांस टू वर्क विद देम अगेन सून इंशाल्लाह. ऑब्वियसली उनके साथ तो फिर से काम करना ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि काफ़ी क्या बोलते हैं फैमिलियर माहौल है उनके साथ, एंड बहुत फ्रेंडली हैं, और वो आपको हार्ड टाइम नहीं देते हैं. लाइक पूरे टाइम सेट पे कुछ भी प्रॉब्लम हो, या आपको सीन समझ ना आ रहा हो, या ऐसी कोई भी चीज़, तो काफ़ी अच्छा उनके साथ है. तो ऑब्वियसली आगे चल के उनके साथ काम करना चाहेंगे. बिल्कुल यस. अभी आप रिसेंटली वॉचिंग मी ऑन स्टार प्लस, मेरा अपकमिंग सीरियल है वो भी स्टार प्लस का ही रहने वाला है, एंड वेरी सून आई विल डिस्क्लोज द ऑल द अपडेट्स, बट यू गोना सी मी. And since last three years, I'm working with Star Plus only. Since Mehndi Rashnewali, uske baad I did Kabhi Kabhi Ittefaq Se, and recently I did Ghume Kisi Ke Pyar Mein, which is the highest TRP show. And jo mera upcoming show hai, wo bhi Star Plus ke hone wala hai. So yeah, Star Plus has become my home field. So you're gonna see me on Star Plus soon. Dussehre ka time hai, festival hai, to aapko IMAX ki taraf se audience ko kya kehna chahiye? मैं आईमैक्स के सभी दर्शकों को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ दशहरे की, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक, एंजॉय. आईमैक्स टीवी और आपकी तरफ से आपकी ऑडियंस को क्या मैसेज है? आई विश एवरीवन वेरी वेरी हैप्पी दशहरा, एंड सब अच्छे से रहिए, एंड ये फेस्टिवल बहुत प्यार से एंजॉय करिए. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच.